पार्ट में देखेंगे स्कोप क्या है डेमोग्राफी के, वो ठीक है। तो स्कोप ऑफ डेमोग्राफी देखते हैं हम, स्कोप्स ऑफ डेमोग्राफी। ओके, तो जो स्कोप्स हैं डेमोग्राफी के उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मैक्रो इकोनॉमी, सेकंड है माइक्रो इकोनॉमी। ओके, मैक्रो इकोनॉमी एंड सेकंड वन माइक्रो इकोनॉमी। ओके, मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है ये, इसमें हम क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे करते हैं। और इसमें हम लार्ज स्केल पे ना करके स्मॉल स्केल पे करते हैं माइक्रो में, ठीक है। आपको कुछ वर्ड्स ही समझ में आ रहा है, मैक्रो मीन्स लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। तो मैक्रो में, मैक्रो इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे जो भी कल्चर सिस्टम सोसाइटी है उनके बारे में हम लार्ज स्केल पे स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में है कि हम पर्टिकुलर किसी एक फैमिली में जाके, एज अ यूनिट ऑफ सोसाइटी में जाके हम वहाँ पे स्टडी करते हैं एक किसी इंडिविजुअल की, वो आएगा माइक्रो इकोनॉमी में। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फंक्शंस ऑफ डेमोग्राफी क्या हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं डेमोग्राफी के, फंक्शंस ऑफ डेमोग्राफी। क्या क्या फंक्शंस हैं डेमोग्राफी के? सो फर्स्ट फंक्शन है कि क्यों करते हैं हम डेमोग्राफी की स्टडी, या डेमोग्राफी के बारे में क्यों हम मतलब जानते हैं, क्यों हमें जानना ज़रूरी है। देखो ये क्या करता है, हेल्प करता है पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरिया की जो पॉपुलेशन है उसको फाइंड आउट करने में। ओके, तो क्या फर्स्ट पॉइंट बनेगा कि इट हेल्प्स टू नोइंग द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड एरिया, ठीक है। जो भी स्पेसिफाइड एरिया की पॉपुलेशन को के बारे में जानने में ये हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि क्या करता है, डिटरमाइन करता है इन्फ्लुएंस, जो भी स्पेसिफाइड एरिया के जो पीपल्स हैं उनको कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस फैक्टर से वो प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस एरिया में, उस बारे में हम डेमोग्राफी में भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, क्या किसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ, मतलब जो वाइटल इवेंट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए भी डेमोग्राफी के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जैसे हमें ये पता चलता है कि कितनी मैरिज हो रही हैं, कितनी मैरिज रेट है, देन डेथ रेट कितनी है, ठीक है, डिवोर्स रेट कितनी है, उन सब के रजिस्ट्रेशन से हमें पता चलता है, जो भी वाइटल इवेंट्स के रजिस्ट्रेशन से हम डेमोग्राफी का बारे में पता चलता है कि कितने लोग बर्थ रेट है, मैरिज रेट है, डेथ रेट है, उन सब के बारे में हम पता करते हैं रजिस्ट्रेशन से। ओके, नेक्स्ट है पॉपुलेशन सेंसिस। पॉपुलेशन सेंसिस का भी हमें पता चलता है डेमोग्राफी से कि कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा सेंसिस जब 2001 में हुआ, देन 2011 में हुआ, तो 10 ईयर्स के बाद जो सेंसिस होता है, ठीक है, मतलब जनगणना जो होती है उससे पॉपुलेशन सेंसिस के बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो जो फीचर्स हैं पॉपुलेशन में, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन सब के बारे में भी डेमोग्राफी की स्टडी करने से हमें पता चलता है। ओके, तो यहाँ पे 6 पॉइंट मैंने कंप्लीट किए। फर्स्ट पॉइंट था कि इट हेल्प्स टू नोइंग द पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफाइड एरिया, ठीक है, जो भी स्पेसिफाइड एरिया में है वहाँ पे क्या पॉपुलेशन में कोई भी जो इनको जानने में, ठीक है, हेल्प करता है डेमोग्राफी। देन जो भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं पीपल्स स्पेसिफिक एरिया में प्रॉब्लम से, उसके बारे में जानने में हेल्प करता है। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स के बारे में जानने में हेल्प करता है, डेमोग्राफी का फंक्शन है। नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसिस के बारे में, और नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस चेंजेस, जो भी चेंजेस हो रहे हैं पॉपुलेशन के पॉपुलेशन में, उन सब के बारे में भी डेमोग्राफी के में हम पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शंस कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के वो क्या क्या हैं। तो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन है हमारा, हम कैसे डेमोग्राफी में डेटा कलेक्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ओके, सो इसमें टू मेथड्स हैं, फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकंड है सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी डेटा, नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी डेटा,
सेकेंडरी डेटा। ओके, मेथड्स को टू में डिवाइड किया है, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा के अंदर ये आता है कि जो भी इंडिविजुअल से हम पूछ के, मतलब उनसे क्वेश्चन करके, ऑब्जर्व करके या इंटरव्यू के द्वारा हम जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आएगा प्राइमरी डेटा, मतलब जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आएगा प्राइमरी डेटा के अंदर। ओके, सेकेंडरी डेटा में क्या आएगा कि जो हम किसी के पास जाके नहीं, इंडिविजुअल से बातचीत करके नहीं या कन्वर्सेशन के माध्यम से नहीं, हम जो भी सेंसेस हैं उनसे, नेशनल सेंसेस हैं, ठीक है, नेशनल सर्वे है, उसके माध्यम से हम जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आएगा सेकेंडरी डेटा में। ओके, तो प्राइमरी डेटा में क्या आ रहा है? जो हम इंडिविजुअल्स से बात करके, उनको ऑब्जर्व करके, इंटरव्यू के थ्रू या फिर पर्सनल डायरीज़ के थ्रू हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आएगा प्राइमरी डेटा में। सेकेंडरी डेटा में क्या आएगा? जो हम सेंसस से जो है ऑलरेडी डेटा कलेक्ट है उससे हम पता कर रहे हैं, सेंसस हुआ या जो भी सर्वे हुआ, नेशनल सर्वे या कंप्यूटराइज जो इन्फॉर्मेशन है उनके थ्रू हम यदि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो है सेकेंडरी डेटा में। ओके, तो प्राइमरी डेटा के अंदर क्या क्या आता है हम वो देखते हैं। प्राइमरी डेटा के अंदर आता है इंटरव्यू, ठीक है, सेकंड को ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड वन हमारा आता है क्वेश्चनरीज। ओके, एंड फोर्थ वन आता है पर्सनल डायरी। ओके, तो इसमें हम देखेंगे इंटरव्यू में क्या होता है। इंटरव्यू में हम हम इंटरव्यू में देखेंगे, इंटरव्यू ये प्राइमरी डेटा के अंदर क्या क्या आ रहा है? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर एंड पर्सनल डायरीज। ओके, तो इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में हम इंटरव्यू के थ्रू जो डाटा कलेक्ट है वो डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल से जब हम इंटरव्यू लेते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और जो जो क्वेश्चंस का वो हमें आंसर देते हैं उसे हम टिक आउट करते हैं, ठीक है, तो वो होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपने हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे इंटरव्यू के, कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इंटरव्यू के एडवांटेजेस हैं कि जो वे है, मतलब कि जो हमें डाटा कलेक्ट करना है तो हमें क्या मिलता है, इसमें डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है इंटरव्यू से, ठीक है। यदि हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमें क्या, इसका एक एडवांटेजेस क्या है कि हमें डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरी तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन हमें लेना है वो हम ले सकते हैं। सेकेंड वन है कि इसका जो फीडबैक है वो क्या है, रिस्पॉन्स रेट जो है हम वो क्या होगी, हमें गुड होगी, ठीक है, हमें पता चलेगा कि उनका जो फीडबैक है, हमने उनसे क्वेश्चन किए तो उनका क्या फीडबैक मिला, क्या रिस्पॉन्स मिला, वो गुड है या बैड है, उसके बारे में हम पता करते हैं। देन इंफॉर्मेशन क्या है, हम रिकॉर्ड करेंगे कि रिकॉर्ड हम कम्प्लीटली कर सकते हैं, जो भी हमें रिकॉर्ड मिल रहा है वो हम जल्दी से, जैसे इन्होंने इंटरव्यू दे रहे हैं हम उसी टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, उसको कम्प्लीटली लिख सकते हैं, ठीक है, और उसे इमिडिएटली हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं इंटरव्यू का, ये एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है कि इसमें नॉन वर्बल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज फेशियल एक्सप्रेशन से हम पता कर सकते हैं कि सामने वाला इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, ठीक है, उसके जो भी टोन से, फेशियल एक्सप्रेशन से हमें सारे जो भी नॉन वर्बल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे हम पता कर सकते हैं कि उनका क्या आंसर है, ठीक है। तो ये है इंटरव्यू के एडवांटेजेस। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे। एडवांटेजेस में तो हमने पढ़ा, नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस में देखेंगे कि ये क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें पर्टिकुलर हम किसी इंडिविजुअल के पास जाएंगे फिर हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे तो बार बार वो चीज़ करना पड़ रही है, तो क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, और इसमें सेकेंड पॉइंट है इसमें कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, ठीक है, उनसे जो भी हम जाएंगे किसी भी इंटरव्यू को लेने के लिए तो हमें पहले, उससे पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगी कि किस तरीके से हमें क्या क्वेश्चन करना है, कैसे उनको ऑब्जर्व करना है, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चंस जो हम उनसे पूछेंगे वो क्या है, एक सेट होगा, ठीक है, परफेक्ट सेट होगा कि हमें उनसे वही क्वेश्चन पूछना है और हमें टिक आउट करते जाना है। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे इंटरव्यू के। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम नॉर्मली जब हम जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल के पास
तो हमें इनसे डाटा जो कलेक्ट करना है ऑब्जर्व करके हम कर सकते हैं कि वो जब हम उनसे पूछते जा रहे हैं उनके ऑब्जर्वेशन से, उनसे बातचीत करके क्या उनका आंसर आ रहा है ऑब्जर्व करके हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर में क्या करते हैं हम एक नॉर्मली उन्हें फॉर्म टाइप का देते हैं, उसमें हम सारे अपने क्वेश्चंस लिखते हैं और उनका उनको जो भी आंसर लिखना होता है वो क्या करते हैं उस पर टिक आउट करते जाते हैं। ये आएगा क्वेश्चनर के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कोई भी आपको चूज द करेक्ट आंसर करके ऐसा कोई कोई भी कॉपी मिले और आपको बोले कि टिक करो आंसर, तो वही आएगा क्वेश्चनर में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इंडिविजुअल कोई भी हम जब जाते हैं उनसे कम्युनिटी में डाटा कलेक्ट करने के लिए तो एक उन्हें फॉर्म टाइप का दे देंगे और उनसे बोलेंगे कि आप इसमें टिक करते जाइए, आपको जो जो चीज़ समझ में आ रही है तो वो आएगा क्वेश्चनर के अंदर। इन्फॉर्मेशन हमें जो उनसे लेना है उसके बारे में। नेक्स्ट पर्सनल डायरीज़ में, मतलब कि पर्सनल डायरीज एक रखेंगे, उनसे बातचीत करके हम जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे जितना वो हमें बताएंगे। तो ये सारा आएगा प्राइमरी डाटा, मतलब जब जाके किसी इंडिविजुअल से इंटरेक्ट होके हम कैसे सोसाइटी में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी डाटा में, सेकेंडरी डाटा में क्या आएगा कि हम जो फाइल रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, पहले से जो फाइल रिकॉर्ड्स हैं उनसे हम ना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फाइल फाइल रिकॉर्ड्स, सेकंड वन सेंसिस डाटा एंड फाइल रिकॉर्ड सेंसिस डाटा एंड नेशनल सर्वे एंड नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर बेस्ड डाटा। ठीक है, तो ऐसे हम सेकेंडरी डाटा में हम लेंगे कि जो जैसे फाइल रिकॉर्ड्स ऑलरेडी जो है, ठीक है, हम उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो रिकॉर्ड्स बना हुआ है जब पहले कभी सेंसिस का हुआ हो तो हम उससे रिकॉर्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट सेंसिस डेटा से, सेंसिस जब हुआ हो तब उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेशनल सर्वे जो होता है उससे हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड डाटा, जो कंप्यूटर बेस्ड डाटा है उससे हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा में। यहाँ पे हमारा ये जो मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, हमने पहले इसके फंक्शंस पढ़े, देन स्कोप में पढ़ा हमने माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, देन हमने इसके फंक्शंस पढ़े। अब हमने मेथड्स ऑफ डाटा देखा, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी हम क्या लेते हैं इंडिविजुअल से लेते हैं हम अकेले, ठीक है, उनसे बातचीत करके। सेकेंडरी में क्या होता है, हम जो भी डाटा ऑलरेडी बना हुआ है उसी से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ओके, हमने प्राइमरी में पढ़ा इंटरव्यूअर, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर एंड पर्सनल डायरीज, एंड फाइल रिकॉर्ड्स में आया सेंसस डाटा, नेशनल सर्वे एंड कंप्यूटर बेस्ड डाटा। सो स्टूडेंट्स, आपको इसके रिगार्डिंग डेमोग्राफी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट है सो प्लीज़ आस्क मी एंड थैंक यू क्लास।